हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ डेलिया प्राइमरी स्कूल में, जो कि हांगकांग में है। इसकी टू ब्रांचेज हैं हांगकांग में, मीफू में एंड चिंगी में। एंड मैं चिंगी में जा रही हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल किया है ऑनलाइन, डाउनलोड करके मैंने फिल कर लिया। मैं सबमिट करने जा रही हूँ स्कूल में फॉर प्राइमरी प्राइमरी एडमिशन। तो आई विल टेक यू अलॉन्ग, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो आई विल बी टेकिंग MTR। मैं MTR से चिंगी जा रही हूँ और वहाँ जाके मैं एप्लीकेशन सबमिट करूँगी। दिस इज़ द स्कूल, इट्स अ इंग्लिश प्राइमरी स्कूल एंड इट्स अ DSS स्कूल। तो अगर आप हांगकांग में अभी आने वाले हो या ऑलरेडी हो एंड यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर योर चाइल्ड, दिस इज़ लाइक डेलिया इज़ वन ऑफ द गुड स्कूल इन हांगकांग फॉर दोज किड्स जिनको दोज आर नॉन चाइनीज स्पीकर बेसिकली। तो उनके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव स्कूल है, DSS स्कूल है। सो इट्स मोर ऑफ इंग्लिश बेस्ड। सो अगर आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं हांगकांग एंड योर चाइल्ड इज़ नॉट फेमिलियर विद चाइनीज लैंग्वेज, पटुंगो और कैंटनीज, तो उसके लिए ये वाला स्कूल बेस्ट रहेगा बिकॉज इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी मोर ऑफ इंग्लिश रादर देन चाइनीज। तो इसलिए ये स्कूल एक्सेप्ट करता है उन बच्चों को हु हैव अ इंटरनेशनल बैकग्राउंड, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर एजुकेशन हेयर एंड दे कैन लर्न चाइनीज वाइल ड्यूरिंग देयर प्राइमरी ईयर्स। सो इट्स वन ऑफ द गुड स्कूल इन हांगकांग। तो जहाँ पे भी आप रह रहे हो हांगकांग में, वेदर मीफू इज़ क्लोजर टू यू और चिंगी, यू कैन अप्लाई और यू कैन डू द एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। सो अगर आप MTR से आ रहे हैं तो आपको U1 में जाके टूवर्ड्स एग्जिट ए जाना होगा। तो लिफ्ट लेके आई वेंट डाउन एंड उसके बाद आई फॉलोड द एरो टूवर्ड्स एग्जिट ए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप लेके जाने होते हैं विद स्टैम्प, जो वहाँ पे एप्लीकेशन के साथ सबमिट होंगे। और जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, स्केड्यूल है, वो आप उनके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में स्कूल की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, यू कैन गो ऑन दैट एंड यू कैन चेक। सो विद इन MTR बहुत अच्छी अच्छी शॉप है, आप आराम से यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो। मार्क एंड स्पेंसर, मोजी, देन मिनीसो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फूड ऑप्शंस भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो आप इजीली यहाँ पे टाइम स्पेंड करने भी आ सकते हो चिंगी MTR में। आफ्टर टेकिंग दिस एग्जिट ए आपको स्ट्रेट वॉक करना है। प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो जहाँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कहाँ टर्न लेना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी इंक्वायरी के लिए आई वॉज अ लिटिल लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट हैं। इनफैक्ट आप गूगल मैप भी फॉलो करोगे तो उसमें इतना क्लियरली समझ नहीं आता है, और क्योंकि बहुत सारे एग्जिट हैं तो आप इजीली यू कैन गेट लॉस्ट। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल सा एक डायरेक्ट रूट है, सिर्फ एंटर करते ही यू हैव टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट, जो आगे की वीडियो में मैं आपको शो करूँगी। सो यू कैन फॉलो दैट एंड यू विल ईजली यू कैन ईजली रीच द स्कूल। सो बेसिकली जो है आप सामने एग्जिट देख रहे हैं, आपको ये वाला रूट लेना है स्कूल के लिए। सो दिस इज द स्कूल बिल्डिंग। तो साथ ही चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस है।
तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है स्कूल में जाके पर्सनली विद दोज टू एनवलप्स। तो वो एनवलप्स वो इसलिए लेते हैं ताकि वो आपको एक एनवलप आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि कब इंटरव्यू स्केड्यूल होगा आपके बच्चे का, तो वो उसके लिए लेटर सेंड करेंगे। एंड सेकंड वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए वेदर योर चाइल्ड विल गेट द सीट और नॉट एडमिशन के लिए, तो उसके लिए वो सेकंड लेटर सेंड करते हैं आफ्टर इंटरव्यू। तो ये उनका प्ले एरिया जो मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ मुझे कुछ बच्चे दे वर डूइंग सम आउटसाइड एक्टिविटी। आई रियली हर्ड गुड रिव्यूज़ अबाउट द स्कूल, स्पेशली मीफू ब्रांच के तो मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं एंड सेम एज़ चिंगी, तो इसलिए आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए, सो यू कैन चेक द वेबसाइट और जो भी एप्लीकेशन टाइम है आप अप्लाई कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इससे रिलेटेड तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेट मी टेल यू, मैं प्राइमरी वन के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ अपने बेटे के लिए। तो अगर आप भी प्राइमरी वन में अप्लाई करने का सोच रहे हैं एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो यहाँ से आपको ये स्टेयरकेस लेके नीचे उतर के अगेन यू हैव टू टेक द लेफ्ट और एक राउंड अबाउट आएगा और वहाँ से जाके यू कैन यू विल बी एबल टू फाइंड द रिसेप्शन एरिया, जो स्कूल का मेन रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अगर आप चिंगी में नहीं रहते हो तो आप इनके बस सर्विस के लिए रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर गेटिंग एडमिशन। यहाँ इनके बस सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज देयर मेन गेट। इसके बाद आई वेंट टू द रिसेप्शन एंड मैंने वहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक करे। द प्रोसेस वॉज वेरी क्विक, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है एंड दीज वर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स ने बनाए थे तो वो डिस्प्ले करे हुए थे एंड प्लस देर वॉज अ टीवी जिसमें वो वीडियोज़ शो कर रहे थे। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड ये सारी पेंटिंग्स लगाई हुई थी। काफ़ी अच्छा मुझे लगा स्कूल। सो घर रिटर्न आने से पहले मैंने थोड़ा सा मॉल घूम लिया। मैरी टाइम स्क्वायर बहुत अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए एंड लाइक द स्टेशनरी शॉप और क्लोथिंग स्टोर्स, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप वैसे भी विजिट करने आ सकते हो चिंगी एंड दिस मैरी टाइम स्क्वायर मॉल। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन से रिलेटेड यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट। थैंक यू।